ऐसा तो तुम सभी लोगों को नरूटो शिपुडन की प्रोमो के बारे में पता चल गया होगा। एंड अगर तुम्हें उस प्रोमो के बारे में अभी तक बिल्कुल भी मालूम नहीं चला है तो उस प्रोमो को पहले देखो। शिनोबी की दुनिया में इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी जिंदगी कैसे जीते हो, फर्क इससे पड़ता है कि आपकी जिंदगी कैसे खत्म होती है। शिनोबी की जिंदगी को इस बात से नहीं नापा जाता कि वो जिंदगी कैसे जीता है, बल्कि इस बात से नापा जाता है कि अपनी जिंदगी खत्म होने से पहले वो इस दुनिया के लिए क्या छोड़ गया। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो नजर आता है कि शायद जिंदगी में नाकामयाबियों के अलावा मैंने कुछ हासिल नहीं किया। जिनको तुम रोक नहीं पाए, क्या तुम उन्हें बदल सकते हो नारुतो? जो हो चुका है, क्या तुम उसे बदल सकते हो? वक्त के साथ दर्द कम नहीं होता, हम बस उस दर्द के साथ रहना सीख जाते हैं, उसके साथ जीना सीख जाते हैं। नारुतो, तुम अपने दोस्त को नहीं रोक पाए थे ना? मेरी जिंदगी में भी ऐसा एक पल आया था जहां मैं भी अपने दोस्तों को नहीं रोक पाया। मैंने उन्हें जाने दिया, चेहरे पर कभी दर्द झलकने नहीं दिया, आंखों से कभी मालूम पड़ने नहीं दिया कि अंदर से मुझ पर क्या बीत रही है। आखिरी बार जाते जाते सुनाडे को भी ये कहते मुस्कुरा कर चला गया कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि मैं वापस ना लौटूं। लेकिन उस दिन उस शाम उसके चेहरे पर मैंने पढ़ लिया था, उसे भी इस बात का एहसास अंदर से हो चुका था कि शायद वो हमारी आखिरी मुलाकात है और मैं इस बार हमेशा की तरह वापस नहीं लौटूंगा। मैं ये बात जानते हुए भी अपनी आखिरी मंजिल की ओर निकल पड़ा। काश मैं भी पिछले हर होकागे की तरह अपनी जिंदगी का अंत कर पाता, कम से कम लोगों के जहन में एक याद बनकर तो जिंदा रहता। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी हमेशा इसी सोच में जी है कि मरते दम तक जो नसीहत जिंदगी से मिली, मरने से पहले वो सब मैं तुम्हें सिखा जाऊं। नारुतो, मैं दुनिया बदल नहीं पाया, लेकिन तुम्हारे अंदर वो बात है नारुतो कि तुम इस दुनिया को बदल दो। लोगों के दिल पढ़ने की और उन्हें समझने की काबिलियत अगर किसी में है तो वो सिर्फ तुम में है। शायद मेरी जिंदगी की किताब और कहानी आज यही खत्म होती है। और अब मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये कोई ऑफिशियल प्रोमो नहीं है, बट इस प्रोमो को जिसने डब किया है वो कोई छोटा मोटा वॉइस आर्टिस्ट नहीं है, और जिन्होंने इसको डब किया है उनका नाम है संकेत मेहता। और काफी सारे एनिमीज और मूवीज के अंदर हमें इनकी वॉइस वगैरह भी देखने के लिए मिलती है। और जिन लोगों को भी लग रहा था कि ये ऑफिशियल प्रोमो है, तो मैं उन्हें बता दूं कि ये ऑफिशियल प्रोमो नहीं है। अगर ऑफिशियल प्रोमो होता तो ये सोनी यहाँ पर आता। और इस प्रोमो में जो कैरेक्टर बोल रहा है वो है जिराया, और जिराया के वॉइस आर्टिस्ट दमनदीप सर है। इससे हमें ये तो पता चलता है कि ये रियल नहीं है, लेकिन इससे हमें एक और चीज मालूम चलती है, हमें नारुतो शिप्युडन का जो ऑफिशियल प्रोमो है वो जल्दी ही देखने के लिए मिल सकता है। और जैसे नारुतो शिपुडन का ऑफिशियल प्रोमो निकल के आएगा तो उस सब के बारे में तो मैं ही बता दूंगा आप सभी लोगों को। इसलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।